जेके आईटी मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज डीसी जनरेटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस वीडियो में आपको वही क्वेश्चन दिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में आने की संभावना है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो डीसी जनरेटर का पार्ट नंबर 6 है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट में लगाई गई तांबे की पत्तियों का आकार कैसा होता है? तो कम्यूटेटर सेगमेंट में अचालक के रूप में आप सभी को पता है कि अभ्रक भरा जाता है, और सेगमेंट में जो कॉपर की पत्तियां यूज की जाती हैं उनका आकार किस प्रकार से होता है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वी आकार की तांबे की पत्तियां यूज की जाती हैं कम्यूटेटर सेगमेंट में। यदि आपको ये क्वेश्चन पूछे कि कम्यूटेटर सेगमेंट में अचालक या इंसुलेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको अभ्रक करना है या फिर माइका लिखा हो सकता है, इसका प्रयोग करते हैं कुचालक के रूप में या फिर इंसुलेटर के रूप में। सेकेंड क्वेश्चन है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान कितना होता है? सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम होता है। प्रतिरोध की यूनिट ओम होती है और 1 ओम आर्मेचर का सामान्यतः प्रतिरोध होता है। कार्बन की विद्युत धारा क्षमता कितनी होती है, यानी कि कार्बन की विद्युत धारा की प्रवाह की क्षमता कितनी होती है? 4 से 6 एम्पीयर तक धारा प्रवाह की क्षमता कार्बन के लिए कार्बन में होती है, जो एकदम उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए डीसी जनरेटर में कार्बन के ब्रश का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन के ब्रश का प्रयोग करने के एक ये भी कारण रहता है कि इसकी विद्युत धारा की प्रवाह की जो क्षमता होती है वह 4 से 6 एम्पीयर होती है। डीसी जनरेटर की दक्षता कितनी होती है? तो डीसी जनरेटर होता है उसकी इफिशियंसी पूछी है कि कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो इसकी 95% इफिशियंसी होती है, जबकि डीसी जनरेटर में 85 to 95 इफिशियंसी मानी जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डीसी जनरेटर की इफिशियंसी या फिर दक्षता कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 85 to 95% तक डीसी जनरेटर की इफिशियंसी मानी जाती है। चार पोल वाले लैप वाउंड जनरेटर में आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? तो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या को ए से दर्शाया जाता है। और जब वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, पहली होती है लैप वाइंडिंग और दूसरी होती है वेव वाइंडिंग। यदि लैप वाइंडिंग की बात करें तो लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है, यानी कि आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है, जबकि वेव वाउंड जनरेटर में ए बराबर 2 होता है, ए बराबर 2 होता है हमेशा ही। तो यहाँ यदि वेव वाउंड होता तो हम ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाते, जबकि लेप वाइंडिंग है तो लेप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है और पी की मान ए 4 दे रखी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेप वाउंड जनरेटर में ए बराबर होता है पी और यहाँ पोल्स की संख्या 4 है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, प्रेरित ईएमएफ की दिशा यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का प्रयोग करते हैं। जनरेटर की बेड प्लेट किसकी बनी होती है? तो जनरेटर की बेड प्लेट होती है, ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कास्ट आयरन की बनी होती है, और बेड प्लेट वो होती है जिसपे जनरेटर की फाउंडेशन किया जाता है, यानी कि जनरेटर की योक जिस पे टिकी होती है उस आधार प्लेट को हम बेड प्लेट के नाम से जानते हैं, जो कास्ट आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला चालक पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ चालक मिसप्रिंट है, अचालक या कुचालक होता है, जो इंसुलेटर होता है वो पदार्थ होता है माइका या फिर अभ्रक जिसे कहते हैं। ये कम्यूटेटर सेगमेंट में अचालक या इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है माइका। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का कार्य कौन करता है? तो आप सभी को पता है कि जब आर्मेचर गति करता है तो चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स के छेदन से हमें ईएमएफ मिलता है, यानी कि ईएमएफ उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये ईएमएफ होता है वो एसी प्रकृति का माना जाता है, और हमें डीसी जनरेटर से आउटपुट के रूप में डीसी ईएमएफ या डीसी वोल्टेज चाहिए होता है, तो हम कम्यूटेटर या दिक् परिवर्तक का प्रयोग करते हैं जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। कम्यूटेटर को हिंदी में दिक् परिवर्तक कहा जाता है, और ये एक रेक्टिफायर का कार्य करता है। रेक्टिफायर का कार्य होता है एसी को डीसी में बदलना, और कम्यूटेटर भी डीसी जनरेटर में यही काम करता है, इसीलिए इसे मैकेनिकल रेक्टिफायर के रूप में भी जाना जाता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछे
कि मैकेनिकल रेक्टिफायर कौन सा होता है डीसी जनरेटर में, तो वो होता है कम्यूटेटर या फिर दिक परिवर्तक। डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग कौन सा होता है, तो टेक्निकल हेल्पर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डीसी जनरेटर में घूमने वाला भाग कौन सा होता है। जब भी हम मशीनों की बात करते हैं तो उनमें घूमने वाला भाग रोटर कहलाता है, और डीसी जनरेटर की पर्टिकुलर बात करें तो इसमें घूमने का कार्य आर्मेचर द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रोटर का कार्य आर्मेचर द्वारा करता है, यानी कि डीसी जनरेटर में रोटर होता है और आर्मेचर ही होता है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और JKIIT मंत्रा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।